नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छाती को चीरकर जो पार्टी दिल्ली में आई थी, दिल्ली में पहली बार पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल ने इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा और पहली ही बार ये पार्टी सरकार बनाने में भी कामयाब रही। हालांकि कुछ दिनों की सरकार चली, उसके बाद फिर दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत के साथ दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके मंत्री और उनके विधायकों तक ने यह ठान लिया है कि भ्रष्टाचार का हर जो पैमाना सेट किया है किसी भी नेता ने, वो तार तार कर देना है। सबसे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी पर लगेंगे तो उसमें पहले नंबर आम आदमी पार्टी का नाम होना चाहिए। और इसी दिशा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी बढ़ भी रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। नो समन मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, और जब हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास जब पर्याप्त सबूत हैं तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद 10वें समन पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं जिनका नाम है अमानतुल्लाह खान। ये साहब वक्फ बोर्ड शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बार जेल काट कर आ चुके हैं। इनके ऊपर ऐसे आरोप हैं कि 2018 से 2022 के बीच वक्फ बोर्ड में जो भर्ती की गई उसमें इन्होंने घोटाला किया, और इसी बीच जब ये अध्यक्ष थे वक्फ बोर्ड दिल्ली के, तो जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थी उन्हें अवैध तरीके से पट्टों पर दिया गया और उनसे अवैध उगाही की गई, जिससे कि ये विधायक साहब भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे और जेल भी काट कर आए। खैर, उसके बाद जमानत पर बाहर आए, और उसके बाद अब एक बार फिर से ईडी उन्हें 6 नोटिस थमा चुकी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। अमानतुल्लाह खान को ईडी जो समन भेज रही है उसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकारते हुए कह दिया कि अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और ईडी अगर आपको गिरफ्तार करना चाहती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पीएमएलए के मामले में, तो वो कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 18 अप्रैल को ईडी के सामने हर हालत में पेश होना होगा। याद करिए, इसी तरह की एक याचिका लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट के सामने गए थे, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, आप एक मुख्यमंत्री हैं और चुनाव नजदीक हैं, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस बिना पर आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो ईडी के सामने जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कोर्ट उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले भी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, और अब अमानतुल्लाह खान के मामले में भी कोर्ट ने यही कहा है कि आपको एक आम नागरिक की तरह, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, या फिर आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, इस लिहाज से आपको राहत नहीं दी जा सकती, कानून सबके लिए बराबर है, आपको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। अब यहाँ सोचिए, जो लोग नैरेटिव फैलाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के नेता ही इस बात को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर सत्येंद्र जैन हो, या फिर अब अमानतुल्लाह खान हो, सबको राजनीतिक साजिशों के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इन लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? क्योंकि जो कोर्ट सबूत देखने के बाद इस बात को कह रही है कि आपको पेश होना पड़ेगा, क्या वो कोर्ट गलत है? तो आम आदमी पार्टी भले ही कितना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर ले, भले कितनी अब नैरेटिव बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन 18 अप्रैल को जब अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश होंगे तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एक और नेता आम आदमी पार्टी के अब सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि दिल्ली की जो कैबिनेट है वो पूरी की पूरी जेल में ही रहेगी। वैसे आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना है कि वो सरकार तो जेल से ही चलाएंगे, तो अब जिस तरीके से लगातार जेल जाने का दौर जारी है उससे क्या लगता है कि अब सरकार तिहाड़ से ही चलेगी। तो एक और विधायक पर अरविंद केजरीवाल के अब डंडा चलने वाला है ईडी का, और हो सकता है कि 18 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के एक और विधायक जेल की सलाखों के पीछे हों। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।